नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। हैदराबाद पुलिस ने अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह रुपए भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दुबक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के पास से 2 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकद राशि जब्त की है। दरअसल हैदराबाद पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बेगम पेंट इलाके से उस वक्त पकड़ा गया जब वो वाहन में नकदी रखकर ले जा रहे थे, जिसे कथित तौर पर मतदाताओं के बीच बांटा जाना था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नकदी के साथ पकड़े गए 2 लोगों में से एक सुरभि श्रीनिवासन राव बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने 3 नवम्बर को दुबक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले ये रकम जब्त की है। गौरतलब है कि जांच में खुलासा हुआ है कि सुरभि श्रीनिवासन राव ने दुबक विधानसभा सीट के मतदाताओं को पैसे बांटने के मकसद से ये रकम प्राप्त की। उन्होंने बताया कि श्रीनिवासन राव ने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि एक निजी कंपनी के प्रबंधक ने उसे ये रकम दी थी, जिसके मालिक पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जी विवेक वेंकटेश्वर स्वामी हैं। पुलिस इससे पहले 26 अक्टूबर को रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के घर से 12 लाख रुपए जब्त किए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।